हेलो स्टूडेंट्स, मैं कौशल कुमार भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आपके सामने आऊंगा और उनको समझाऊंगा, जिसके माध्यम से आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे तरीके से भारतीय इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट की चर्चा करेंगे। देखिए, नेशनल मूवमेंट इसका प्रारंभ 1885 से होता है और जो 1947 तक जाता है। इसमें मैं प्रारंभ करता हूं नेशनल मूवमेंट से। देखिए, ये जो पूरा क्लास होगा, जो ये पीपीटी चलेगी वो इंग्लिश में होगी और जो लेक्चर होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मतलब इसका फायदा बाइलिंगुअल बच्चों को हो सकता है। क्लियर है? शुरू करते हैं। चलिए, नेशनल मूवमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। मुद्दा यह बनता है कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीय या नेशनल का मतलब होता है कॉमन फीलिंग, एक प्रकार की विचारधारा, चाहे लोग किसी क्षेत्र में रह रहे हों, किसी प्रकार दूसरे प्रकार के ड्रेस पहनते हों, उनकी संस्कृति अलग हो, उनके पहनावों के साथ उनका खान पान अलग हो, लेकिन उनके अंदर अगर एक प्रकार की विचारधारा है, एक प्रकार की विचार है, तो वह नेशनैलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे भारत में देख लीजिए, विभिन्न संस्कृति, भाषा, खान पान के लोग हैं, लेकिन हम एक भारत देश के राष्ट्रीय नागरिक हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, चाहे जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे थे, लेकिन उनका एकीकरण किया गया, यूनिफिकेशन किया गया, क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार का विचार था, एक प्रकार की राष्ट्रीयता थी। तो इसका मतलब हुआ, जो राष्ट्रीयता या नेशन की बात है, नेशनल की बात है, वो एक प्रकार की विचारधारा की बात करता है। दूसरी तरफ हम मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट को हिंदी में आंदोलन कहते हैं। अब देखिए, यहां मैं आपका ध्यान देना रखना चाहता हूं कि जो मूवमेंट शब्द है, आंदोलन शब्द है, इससे मिलते जुले कुछ टर्म्स और प्रयोग किए जाते हैं और जिनका प्रयोग लोग सामान्य रूप से करते हैं। से आंदोलन के साथ एक शब्द आता है क्रांति, जिसको अंग्रेजी में रिवोल्यूशन कहते हैं। एक शब्द आता है विद्रोह, जिसे रिवोल्ट कहते हैं। एक शब्द आता है राजद्रोह, जिसे रिबेलियन कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को नॉर्मली लोग यूज करते हैं, एक दूसरे के समानार्थी सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं, जबकि चारों के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसका अर्थ हम समझते हैं होता क्या है। देखिए, किसी भी व्यवस्था में, किसी प्रकार की व्यवस्था हो और उसमें जब परिवर्तन किया जाता है, क्या होता है, चेंजिंग होती है। ये परिवर्तन जब आमूल चूल परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन, आमूल चूल। अब आपके मन में बात उठेगी कि आमूल चूल क्या है। देखिए, आ उपसर्ग है, मूल मीन्स होता है जड़, बेस, रूट, और चूल मतलब होता है चूड़ा, चोटी, मतलब जड़ से लेके ऊपर तक। तो तात्पर्य क्या हुआ, व्यवस्था में जो परिवर्तन हो वो जड़ से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक हो। तो जो व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन अगर स्लो प्रोसेस में होता है, धीरे धीरे होता है, तो उसे आंदोलन कहते हैं।
ठीक है, यह परिवर्तन अगर रैपिडली होता है, तेजी से होता है, उसे क्रांति कहते हैं। और इस परिवर्तन में अगर अस्त्र शस्त्र आर्म्स एम्युनेशन का प्रयोग होता है तो उसे विद्रोह कहते हैं। और अगर यह विद्रोह किसी राज्य के विरुद्ध होता है, अगर यह विद्रोह किसी राज्य के विरुद्ध होता है तो इसे राजद्रोह कहते हैं। अब देखिए सामान्य रूप से, अगर कोई मेरे खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, एक संस्था के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर विद्रोह करता है तो राजद्रोह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मूवमेंट धीरे धीरे, रिवोल्यूशन तेजी से, रिवोल्ट या विद्रोह अस्त्र के साथ, और रिबेलियन राजद्रोह राज्य के विरुद्ध किया गया परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से हम चार शब्दों को देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो नेशनल मूवमेंट है इसका जो टाइम है वो 1885 टू 1947 है, 1885 से लेके 1947 है। अब देखिए नेशनल मूवमेंट जो कि 1885 से लेके 1947 तक चला, इसको तीन अलग चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण है वो 1885 से लेके 1905 है, दूसरा चरण है 1905 से लेके 1919, और तीसरा चरण है 1919 से लेके 1947। ठीक, अब देखिए इन तीनों चरणों की हमने जब बात की, इसमें कुल मिला के चार डेट आ रही हैं। पहला है 1885, दूसरी डेट है 1905, तीसरी डेट है 1919, और चौथी डेट है 1947। अब ऐसा क्या है, ये चार डेट्स ऐसी क्यों रखी गई जिसमें हमारा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट सिमट के रह गया, हम इसको देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1905 डिवीजन ऑफ बंगाल, देन 1919 एंट्री ऑफ गांधी इन एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, और लास्टली इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। क्लियर है, ये चार डेट्स हैं जिनके माध्यम से नेशनल मूवमेंट को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया। अब देखिए जो फर्स्ट फेज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी से लेके डिवीजन ऑफ बंगाल तक, ठीक है, इस फेज को कहते हैं मॉडरेट फेज, हिंदी में कहते हैं उदारवादी काल। जैसा कि उदारवादी शब्द से ही इंगित है कि इस समय की जो विचारधारा थी, जो लोग आंदोलन को चला रहे थे, जिनके हाथ में आंदोलन का नेतृत्व था, उनका जो रिएक्शन था वो उदार था। क्लियर है, अब दूसरा जो चरण है 1905 से लेके 1919 तक, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि एक तरफ हम आपके साथ उदारवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य का विभाजन कर रहे हो, और विभाजन का उद्देश्य धार्मिक है, तो लोग नाराज हो गए। और उस समय जो नई विचारधारा निकल के आती है उसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, या हिंदी में कहते हैं इसे उग्रवादी। ठीक है, एक्सट्रीम माने होता है चरम, इन्हें कहीं कहीं चरमपंथी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में चरमपंथी
शब्द एक रूढ़ी तरह यूज किया जाता है, इसलिए हम यहां पे चरमपंथी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, वास्तव में उदारवाद एक बहुत बड़ी विचारधारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पहले उदारवादी विचारों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था। हुआ क्या कि जब ये लोग, जब उदारवादी लोग आंदोलन को चला रहे थे, तो ये लोग आंदोलन चलाने का जो तरीका था वह संवैधानिक था। क्या था? संवैधानिक। दे यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, बट आफ्टर 1905 व्हेन बंगाल डिवाइड इन टू पार्ट, देन मोस्ट ऑफ द लीडर्स बिकम एंग्री एंड दे रिएक्टेड रेडिकली अगेंस्ट गवर्नमेंट। देन दीज आइडियोलॉजीज नोन एज एक्सट्रीमिस्ट आर उग्रवादी। अब देखिए, जब ये उग्र हो गए, जब ये उग्र हो गए, तब कहा गया कि ये लोग तो बहुत उदार थे, इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट की और मॉडरेट की डिफिनेशन निकलती है वो ये है, एक्सट्रीमिस्ट डिफिनेशन है एक्सट्रीम पॉलिटिकल ओपिनियन। तो राजनैतिक जो विचार हैं, जो राजनीतिक विचार हैं, वो कैसे हैं? एक्सट्रीम हैं, उग्र हैं। और दूसरी तरफ मॉडरेट में हैविंग आर शोइंग ओपिनियंस स्पेशली अबाउट पॉलिटिक्स दैट आर नॉट एक्सट्रीम। मतलब सीधी सी बात, जो बात, जो विचारधारा है विशेष रूप से राजनीति से संबंधित है वह एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, मॉडरेट में जो प्रमुख नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, ठीक है, जबकि 1905 से 1919 के दौरान जो प्रमुख लीडर्स थे वो मेनली चार थे, लाल, बाल, पाल और घोष। लाल मींस लाला लाजपत राय, बाल मींस बाल गंगाधर तिलक, पाल मींस बिपिन चंद पाल, घोष मींस अरविंद घोष। क्लियर। अब देखिए, ये सब चल रहा था, ये दोनों फेज चल रहे थे, ठीक है, नॉर्मल चल रहे थे। 1919 में, देखिए एक बात कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं जो बहुत बार पूछा, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पहली बार गांधी जी का भारत की सक्रिय राजनीति में पदार्पण कब हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में, जबकि बहुत लोग कहते हैं आंसर 1915 9 जनवरी। नहीं भाई, 1915 9 जनवरी को गांधी जी भारत आए थे, साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, ठीक है, लेकिन 1915 में भारत आने के बाद उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर गांधी जी ने अपने आप को भारत की सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए दूर रखा। और इस दौरान गांधी जी ने तीन एक्सपेरिमेंट किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों आंदोलन की, ये उनके एक्सपेरिमेंट थे, ये सक्रिय राजनीति में पदार्पण नहीं था। गांधी जी पहली बार सक्रिय राजनीति में आते हैं 1919 के रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, तो जब वहां से आते हैं वहीं से भारतीय राजनीति की दिशा दशा बदल जाती है। तो 1919 से लेके 1947 का जो टाइम है वह गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर चीज पे गांधी जी का प्रभाव था, हर चीज पे। अब देखिए, इस फेज में जो बड़े आंदोलन चले हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं शॉर्ट में। 1919 में गांधी जी आते हैं,
ठीक है। सबसे पहले रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं 1919 में, ठीक है। फिर 1920 में गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाते हैं, NCM गांधी जी का है। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM। फिर गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट QIM। अब देखिए यही वो बड़े बड़े आंदोलन हैं जो 1919 के बाद चलाए गए। ये सारे आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे, गांधी जी का पूर्ण प्रयास था। इसीलिए क्योंकि गांधी जी पूरी तरह से छाए रहे, हर जगह छाए रहे, इसलिए इस पूरे काल को हम गांधीयन एरा कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बता रहा हूं जो है नेशनल मूवमेंट की, और नॉर्मली लोग इसकी चर्चा नहीं करते, ठीक है। देखिए ये है पूरा, ये हमारी डेट है 1885, सॉरी, ठीक है, 1905, ठीक है, 1919, 1947, ये पैरेलल चल रही चीजें। देखिए एक विचारधारा थी जो तकरीबन 1870 से चल रही थी, इसको कहते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट या क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए यह विचारधारा 1870 से चल रही थी और इस फेज में यह अलग अलग प्रांत में, जैसे बंगाल में अलग चल रही थी, महाराष्ट्र में अलग चल रही थी, पंजाब में अलग चल रही थी, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से चल रही थी, ये कंटिन्यू थी, चल रही थी। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, और 1906 में शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन जाकर के समाप्त हो जाता है 1908 में, ठीक। अब यहां देखिएगा 1908, जब स्वदेशी आंदोलन 1908 में समाप्त होता है तो जो लोग स्वदेशी आंदोलन में अपना सब कुछ छोड़ करके स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए थे, उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए, स्वदेशी आंदोलन तो समाप्त हो गया, अब हम क्या करें, तो उनको एक रास्ता सूझा कि हम क्रांतिकारी गतिविधियों से भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कर देने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियां करनी शुरू की। ये गतिविधियां पहले से ही चल रही थी लेकिन इन गतिविधियों में तेजी आती है 1908 के बाद। एक और बात देखिए, 1914 से लेके 19 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, तो इस दौरान अंग्रेज परेशान भी थे, फंसे हुए थे, वो ज्यादा प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले सकते थे, तो इसलिए इस समय इस आंदोलन ने खूब तेजी प्राप्त की। तो अगर हम कहें तो ये जो है वाला पहला पोर्शन है 1870 से
1908 तक यह क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण होगा। 1908 के बाद 1919 तक दूसरा चरण होगा, क्योंकि 1919 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो सरकार क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत बुरी तरह दबाती है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे आंदोलन कुछ समय के लिए डाउन हो जाता है। यह आंदोलन फिर 1923 के पास खड़ा होता है और चलता है 1932 तक। तो 1923 में घटनाएं फिर शुरू होती हैं। तो यह जो चरण है, यह जो चरण है, इसे कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का तीसरा चरण। इसकी समाप्ति होती है 1932 में चंद्रशेखर आजाद की डेथ से। चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ पुलिस वालों से इलाहाबाद के अल्फ्रेड डोवेल पार्क में हुई थी। उनके पास अंतिम गोली बचती है तो वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। उन्हें ये लगा कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं यातना न झेल पाऊं और सरकार के सामने, पुलिस वालों के सामने, अपने साथियों संबंधी कुछ सूचनाएं मैं दे दूं जिससे हमारे आंदोलन को बहुत नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ये तीन चरण। मैं आपको बताऊं, बाद में एक चरण और चलता है। ये चरण तकरीबन 1946 का है। इसमें दो घटनाएं घटती हैं। कितनी घटनाएं? सिर्फ दो बड़ी घटनाएं। एक घटना थी RIN, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, और एक थी INA, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, जो RIN और INA, ये दोनों ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो क्रांतिकारी आंदोलन का एक चरण, दो चरण, तीन चरण और चौथा चरण, ये चार चरण होते हैं। इस प्रकार से हम नेशनल मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम नेशनल मूवमेंट को पढ़ना है तो हमें उसके बेस में जाके ठीक से समझना पड़ेगा, और अगर हमने एक अच्छी समझ बना ली तो हमें नेशनल मूवमेंट में किसी भी घटना को समझने, पढ़ने, जानने और फिर प्रश्नों के माध्यम से उनका उत्तर देने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। थैंक यू।